देसी क्वीन सपना चौधरी के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट। नमस्कार, मैं गुलीन और आप देख रहे हैं न्यूज 28। जी हाँ, हरियाणा की सबसे फेमस डांसर सपना चौधरी, जिनके फैंस देश में ही नहीं विदेश तक भी मौजूद है, उनकी एक अदद फैंस के दिलों को छू सी जाती है। लेकिन अब बात ये आती है कि ऐसा क्या कर दिया सपना ने जिस वजह से उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। खबरों की माने तो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी ने लखनऊ में एक मामले में सपना चौधरी के खिलाफ ये अरेस्ट वारंट जारी किया था। तो वहीं इस मामले में FIR दर्ज होने के बाद सपना ने खुद इस शिकायत को खारिज करने की अर्जी दी थी। लेकिन असल मुद्दा ये आता है कि सपना के खिलाफ अरेस्ट वारंट क्यों जारी हुआ। आपको बता दें कि 3 साल पहले यानी 2018 में सपना चौधरी के खिलाफ 14 अक्टूबर को आशियाना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने यह आरोप लगाया था कि 3 अक्टूबर को लखनऊ के स्मृति उपवन में दोपहर 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक एक शो ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें सपना चौधरी पहुंची ही नहीं थी। जानकारी के मुताबिक सपना के अलावा इस कार्यक्रम में जुनैद अहमद, नवीन शर्मा, इवाद अली, अमित पांडे और रत्नाकर उपाध्याय जैसे नाम भी शामिल हैं। इस शो के लिए दर्शकों ने 300-300 रुपए की टिकट खरीदे थे। इतना ही नहीं, सपना की एक झलक पाने के लिए हजारों फैंस इस शो में पहुंचे थे। लेकिन सपना चौधरी रात 10 बजे तक पहुंची ही नहीं थी, जिसके बाद लोगों ने वहां जमकर हंगामा किया था। इसके बाद भी दर्शकों के पैसे वापस नहीं मिले थे। सूत्रों के अनुसार अब सपना चौधरी की कार्रवाई की तारीख 22 नवंबर की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस केस पर 22 नवंबर को क्या सुनवाई होती है। तब तक के लिए न्यूज 28 के साथ बने रहें। नमस्कार।